बच्चों, आई होप यू डूइंग वेल मेरे प्यारे 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 चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स। चलिए, जितने क्वेश्चन आप लोगों से होते हैं उतने करते हैं। मैं तो कोई 1000 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, 200, 300, 400, 500। आपने ट्रैवल भी करना है, आपने बाकी चीज़ें रिवाइज भी करनी है, कल के नोट्स भी रिवाइज करने हैं, राइट? तो आप टेंशन मत लीजिए, चलो एक बार सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं। लास्ट दिन आपका 1-2 घंटे की सॉल्विंग भी हो जाएगी तो भी बहुत है। एक्चुअली मैं ढूंढ ढूंढ के सेल के कुछ टॉप टॉपिक्स लाई हूँ, फिजियोलॉजी के लाई हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी के लाई हूँ, तो ढूंढ के तो मैं लाई हूँ क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से जो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और आखिरी दिन है, आप टेंशन मत लो, आपसे जितना होता है उतना करो। 1 घंटा तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, राइट? सो मैं अच्छे से ढूंढ के लाई हूँ। और बेटा शाम को, अच्छा बाय द वे, मेरी एक फ्रेंड निकली जो इन्विजिलेटर है, मतलब गजब ही हो गया। उन्होंने ना इन्विजिलेटर्स के पास एनटीए ने एक पूरा लिस्ट भेजा है क्या पहन के जाना है, तो वो तो अलग लेवल का, मतलब है मोटे बटन छोटे बटन बहुत डिटेल में है। तो वो इन्विजिलेटर वाला वीडियो मैं शाम को 6-7 बजे बनाऊंगी। तो मेरी एक लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो कहती वानी मैम मुझे ना बहुत मन कर रहा है बच्चों से एक बार बात करने का कि स्ट्रेस नहीं लेना, ऐसे बेटा नेकी और पूछ पूछ, तो वो वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इन्विजिलेटर वाला वीडियो तो बिल्कुल मत भूलना। उन्होंने मुझे फोटो भेजी वानी मैम आपके बच्चे होंगे, मैंने कहा यार आ जाओ मेरे बच्चों से बात कर लो। कहते ऐसे तो हमें अलाउड नहीं है पर मैं आपको फोटो भेज देती हूँ कि जो इन्विजिलेटर्स के पास आया है, स्नैपशॉट उसका दिखा दूंगी, ये पहन के जाना है, नहीं वो शाम को कर लेंगे। चलिए तो अभी फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक एक करके, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक एक स्लाइड में करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली? बहुत इजी है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। चलिए फटाफट कर लेते हैं। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली क्या होता है? राइबोसोम, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसने, राइट? राइबोसोम है ना, राइबोसोम है आपके ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। ये किसके अंदर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, दोनों में होता है। सो इट इज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स के नेटवर्क को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किसने दिया ये नाम? फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग, राइट एवरीबॉडी? चलिए स्पीड करते हैं, 100 questions करते हैं, सेल प्लांट फिजियो सबके questions लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द एंजाइम रिकम्बाइनेज पार्टिसिपेट्स एट, रिकम्बाइनेज, रिकम्बाइनेज आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाता है, तो वो किसमें होता है? वो होता है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। रिकम्बाइनेज क्या बनाता है? रिकम्बाइनेज आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएगा जो आपका क्रॉसिंग ओवर करवाएगा। आपका क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज वन, टू में तो नहीं होता, राइट? प्रोफेज फॉर कंडेंसेशन तो गलत है, एस फेज में तो डीएनए डबल होता है। सो आपका रिकम्बाइनेज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाता है विच इज ड्यूरिंग प्रोफेज वन। टिपिकल फ्लावर ऑफ सोलानेसी, कल शाम को करवाया है मैंने, चलिए 49 पढ़िए। Yes, has 4 polar mother cells in each pollen sac of its anther. कितने pollen grains होंगे? 4 polar mother cells हैं। बहुत अच्छा question है। 4 polar mother cells हैं, बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन, बताओ, वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। अब ये बता रहे सोलानेसी है तो एक फ्लावर पेंटामरस होता है, मैंने कल बताया था पेंटामरस। तो अगर आप एक फ्लावर की बात करोगे, सिर्फ एक फ्लावर की आपने बात करी, तो उसके पास कितने होंगे? 5 stamen, उसके पास होगा 5 anther, और ये क्या बोल रहे हैं? 4 polar mother cells है, 4 × 5 पोलन सैक्स, राइट एवरीबडी? और एक पोलन सैक टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, तो 4 × 4 × 5 टेट्रास्पोरेंजिएट, 5 anther है, 4 polar sacs है, एक होगा आपका टेट्रास्पोरेंजिएट, तो 4 × 4 × 5, यस? डन? एक में कितना होगा? 4,
और चार पोलन मदर्स हैं और पांच हैं ये, और उसके अंदर राइट तो ये इसको हम 5 4 20 42 80 5 4 20 20 80 इनको दोबारा 4 करेंगे 84 3 6 3 20 होगा, क्योंकि ये आपके हो रहा है चार पोलन मदर सेल इनटू चार सेल भी तो है हाँ, तो 4 × 4 एक से चार बनेंगे ना, चार मदर सेल एक से चार बनेंगे, चार मदर सेल एक मदर सेल से चार बनेंगे, ये चार टेट्रास्पोरेंजिएट होगा इनटू 5 ठीक है, चार मदर सेल एक मदर सेल से बनता है चार, एक मदर सेल से बनते हैं चार, तो चार मदर सेल इंटू चार इंटू टेट्रास्पोरेंजिएट चार इंटू 5 आंसर 5 4 20 20 × 4 80 80 × 4 320 वाओ लेवल क्वेश्चन यस एवरीबॉडी परफेक्ट। चलो अगले से चलो अगले 50th कल का मैंने करा बेटा, मैंने मॉर्फो एनाटॉमी के क्वेश्चन ज्यादा डाले, मुश्किल है, फटाफट इनके क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, ऑफ एनी वन टैक्सॉन हमने चार बार किए करेक्ट, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर तीन चार बार किए, दिल्ली में नेशनल ज़ू है, एलियम सेप्पा पिटूनिया गलत है, लिलियेसी एंड सोलानेसी सेम कैसे हो गया, गलत है, इट इज रॉन्ग, लिलियेसी सोलानेसी इट इज रॉन्ग। आज 51 पे चलिए, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहां डाला है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहां डाला है, दोनों यूनिसेलुलर है तो मोनेरा नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस है राइट, दोनों यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास का तो कप शेप न्यूक्लियस होता है, दोनों के पास न्यूक्लियस है इसलिए प्रोटिस्टा है राइट, ये मल्टीसेलुलर होगा तो प्लांटी में डालेंगे सेल वॉल के साथ, फंगस नहीं है, टेट्रिवरस नहीं है राइट, इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया, वेरी गुड। चलिए बेटा चलिए, मुझे पता है स्ट्रेस हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कुछ नहीं होता, 100 200 क्वेश्चन करते हैं, चलिए 52nd क्वेश्चन, ऑड वन आउट 52nd क्वेश्चन, चलिए फोटोसिंथेटिक केमी ऑटोट्रोफिक, इट्स अगेन नॉट भैया, ये नॉट वालों से तो बड़ा ही ध्यान से बचना, बैसिलस रॉड शेप्ड करेक्ट, स्पाइरल शेप्ड करेक्ट, कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप नहीं होता ये राउंड होता है, आंसर इज 1 अगेन यस। चलो 54 करो 54 करो 54 पी 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 होता है, प्रियॉन्स होते हैं आपके प्रोटीन्स, और आपके वायरॉइड होते हैं ओनली जेनेटिक मटेरियल, सो हैव टाइटली फोल्डेड आरएनए, नो आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिकॉज़ प्रियॉन्स प्रियॉन्स पूछा ना आरएनए तो ये होगा रॉन्ग, पोटैटो नो ये तो आपका वायरॉइड से होता है, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मार्क स्मॉलर नो इक्वल राइट यस नंबर 2 चल वेल डन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन चल 55 पेनिसिलम यस बैच तो फॉलोइंग कॉलम में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ठीक है, पेनिसिलम क्या है, पेनिसिलम नोटेटम कॉनिडिया, चलिए करिए बी ऑप्शन, नहीं बी नहीं है, बी नहीं है, सेप्टेट
पॉलियोट्राइक ऑफ ऑल्टरनेरिया इम्परफेक्टाई फंगस पैरासाइटिक ऑन मस्टर्ड एल्ब्यूगो न्यूरोस्पोरा क्रासा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है नंबर 3 डन चलिए बेटा वेरी गुड आगे बढ़ते न्यूरोस्पोरा क्रासा का आने का चांस है एल्ब्यूगो का आने का चांस है पेनिसिलिन मैं वही क्वेश्चंस लाई हूँ ढूंढ ढूंढ के जो एग्जाम में पक्का आएंगे जिनका चांस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने का चलिए 56 क्वेश्चन करेक्टली मैच्ड मेज ब्रिंजल लिली ग्राम करेक्टली मैच्ड कौन सा है बताओ प्लीज बताओ 56 क्वेश्चन ब्रिंजल वैस्कुलर बंडल ओपन होता है ना कि क्लोज्ड लिली आपका मोनोकॉट होता है लिलीज मोनोकॉट होते हैं करेक्ट बताइए चलिए दो तो मैंने गलत बता दिए चलिए 56 कैन यू रीड इट C4 मेज सॉर्गम बाजरा एनिमोफिली यस राइट एयर पॉलिनेटेड पैरेलल विनेशन मोनिशियस ओके ओपन वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट डन एवरीबडी लिख लिया आंसर इज नंबर 1 चलिए इसका भी इंपॉर्टेंट है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है चलो जी आगे बढ़े 57 क्वेश्चन चलो जी ओके चलो 57, 58, 59, 60 चार क्वेश्चन है वेरी गुड चलिए चार क्वेश्चन 57, 58, 59, 60 चलिए जल्दी करिए सॉल्व करिए पढ़िए दो रोज फेबियसी मटर मार्जिनल चलिए कॉम्पोजिट नहीं है पार्थिनोकार्पिक नहीं है मैंगो में गुठली होती है जो हम खाते हैं इतनी मोटी सूडोकार्पिक नहीं है ड्रूप है ड्रूप इट इज अ ट्रू फ्रूट ऑल्टरनेट कल बताया है ऑपोजिट होती है मार एक में नहीं है बताओ बताओ नीरियम यस 60th कल किया शिट यार पूरा पेपर कल के मैराथन से है बताइए 60th वर्ल्ड और मोनोकॉट जो होता है आपका वो आइसोबाइलैटरल होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है जो आपका डाइकॉट होता है वो आपका डॉर्सी वेंट्रल होता है ऊपर का और नीचे का बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट सेम टू सेम होता है डन एवरीबॉडी अगला सवाल देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पे ये रहा 61, 62, 63 चलिए PVM parenchyma vascular bundle और आपका medulla ये तीनों ही पार्ट है स्टील के किसके पार्ट है स्टील कॉर्टेक्स का नहीं है पैरेन्काइमा वैस्कुलर बंडल राइट और पैरेन्काइमा वैस्कुलर बंडल मेडुला पैरेन्काइमा का मतलब इनर मोस्ट पैरेन्काइमा कह सकते हैं
देखो मुझे, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और मेड्यूलम। तो आंसर क्या है इसका? पेरिसाइकल किसका आउटर मोस्ट पोर्शन है? स्टील का। किसका आउटर मोस्ट पोर्शन है? स्टील का। यस एवरीबॉडी, चलिए इन नंबर टू, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए जल्दी 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 बेटा, 60 सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट, कल शाम को करवाए यार, तुम कुछ ना करो, सिर्फ मैराथन कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस कर लो, मैराथन कर लो, तुम्हारे 320 आने से कोई नहीं रोक सकता। थिक वॉल्ड स्टेटमेंट गलत है, पैरेन्काइमा बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, कोलेनकाइमा में लिग्निन नहीं होता है, कोलेनकाइमा में पेक्टिन होता है, स्क्लेरेनकाइमा लिविंग नहीं होते हैं, स्टोन सेल्स और स्क्लेरेट्स की वजह से मैंने कल करवाया है, ये डेड होते हैं। सो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा यूजुअली डेड सेल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 63rd, इक्विसेटम और साइकस में क्या सेम होता है? राइट, साइकस रेवोल्यूटा डाइशियस प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है। 63rd बताइए, राइट बताइए, बहुत सिंपल है। इक्विसेटम हॉर्स टेल, ये तो टेरिडोफाइट है, ये तो टेरिडोफाइट है, ये तो आपका जिम्नोस्पर्म है, राइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता है। कोनोरॉइड रूट्स तो सिर्फ साइकस में होती है, साइकस में तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, साइकस के अंदर तो डिपेंडेंट होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, इट इज वैस्कुलर टिश्यूज, दोनों के पास ही जाइलम फ्लोएम होता है, इट इज वैस्कुलर टिश्यूज, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, दिखाई दे रहा है, आई एम एबल टू क्लियरली सी द क्वेश्चंस एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, 64 एंड 65, चलिए बताइए, Wrongly matched 64. Sphagnum को peat moss कहते हैं, packing के काम आता है, sargassum से fucoxanthin निकलता है, acacia बबूल egg apparatus होता है, yes angiosperm है, lac नहीं, archegonium is positive, राइट एवरीबडी, अकेशिया बबूल एग अपेरेटस होता है, बिल्कुल, स्फैग्नम पीट मॉस होती है, पैकिंग के काम आती है, बिल्कुल राइट। आई विल गिव द पीडीएफ इसी के बाद इन द टेलीग्राम, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। सरगैसम के पास से निकलता है फ्यूकोक्सैंथिन। 65th क्वेश्चन, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, ट्रू बोला है, ट्रू, प्लीज इस तरह की गलतियां अपने एग्जाम में नहीं करनी है। 65, टेल मी द ट्रू स्टेटमेंट, गलत है, क्यों? किडनी शेप्ड होता है। चलो अब बताओ, फूड स्टोरेज स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और बी, बताइए प्लीज, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए और बी है, ये है एल्गी नहीं होता, ब्राउन एल्गी नहीं है, सो आंसर इज ओनली टू स्टेटमेंट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। यस्टरडे नोट्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगी अभी सिजू का, इस क्लास के बाद यस्टरडे के नोट्स में दे दूंगी बेटा। चलो 66 करिए, अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, पूरा पानी बाहर आ जाना, हाइपरटोनिक एक्सोस्मोसिस होगा, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा अगर आप उसको हाइपोटोनिक में डाल दोगे बाहर, अगर वापस ये बाहर आ रहा, दिस इज प्लाज्मोलाइसिस, क्यों बाहर आया, बिकॉज बाहर का पानी वॉज हाइपरटोनिक, अगर आप उसको हाइपो में डाल दोगे तो ऑब्वियसली वापस चला जाएगा,
वेरी वेरी वेल डन। आगे बढ़ चलते हैं, चलिए 67, 68, चलिए प्लीज, चलिए करेक्ट पूछा है। पूछा है बेनिफिशियल तो है बट नॉट एसेंशियल। भैया ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, राइट आपका, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आंसर बनेगा सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलिकॉन, ठीक है। 67th का आंसर बनना चाहिए नंबर 2, वेरी वेल डन, ठीक है। 68th कल कराया मैंने, कल कराया है 68th क्वेश्चन, चलो जल्दी करो 68th। लाइट, मैंने आपको कल स्कियोफाइट्स भी कराए हैं, अब सोचो स्कियोफाइट जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, बताओ राइट, जल्दी बताओ, जल्दी 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 सोचो 68th क्वेश्चन। कल कराया था मैंने, रात को जाते जाते कराया था, फोटोसिंथेसिस में कि CO2 तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग हो जाता है, राइट, CO2 तो लिमिटिंग सबसे पहले, और लाइट रेयरली डेंस फॉरेस्ट में तो नीचे लाइट पहुंचेगी नहीं, डेंस फॉरेस्ट में तो नीचे कुछ भी नहीं उगता है, राइट, डेंस फॉरेस्ट में नीचे कुछ भी नहीं उग पाता बिकॉज बहुत डेंस फॉरेस्ट है। सो ए स्टेटमेंट है फॉल्स और बी स्टेटमेंट है ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर फॉर है, कितने बच्चों के आंसर सही हो रहे बताइए, यस, चलिए सारे नोट्स क्लास के इमीडिएटली बाद में दे दूंगी बेटा, 3 क्वेश्चन है 69, 70, 71। ये भी कल कराया है, ये भी कल कराया है, चलिए क्या नहीं होता है बताइए, आंसर इज फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता भाई, C4 प्लांट में नहीं होता, आप पेप्को को लेकर इसलिए आए हो क्योंकि आपको फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवाना, एमडन मेयर ऑफ पैरनस ग्लाइकोलाइसिस करवाओगे, केल्विन साइकिल कराओगे, ट्राइकार्बोक्सिलेशन कराओगे, फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं करवाओगे। चलो आर क्यू कल तीनों का आर क्यू लिखवाया, प्रोटीन्स का लिखवाया, फैट्स का लिखवाया, कल बोला था कि भैया जो पॉइंट में दे रही हूं उसी में से क्वेश्चन आएगा, कल बोला था लेस देन 1 क्यू है, फॉर्मूला भी लिखवाया था बिकॉज ऑक्सीजन कंजम्पशन हाई है, CO2 रिलीज कम है, इसलिए आर क्यू लेस देन 1 है, 71 कल कराया था, ये सारी चीजें कल के नोट्स में आपको मिलेंगी। चलिए 71 हर बार एक बनता है, कल ये भी गाइस सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ क्या मेरे मैराथन से क्वेश्चन आ रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ, सच्ची बताओ सच्ची, कल फोटो रेस्पिरेशन करवाया था, कल आर क्यू करवाया था मैराथन, तुम आज रात को बैठ के मैराथन देख लो, तुम्हारे 360 आएंगे, ये आपका पेपर है, मैंने कल GTP करवाया था, कल की क्लास में करवाया था, मैंने कल RQ करवाया था, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, फिजिक्स केमिस्ट्री को मार दो गोली, तुम सिर्फ जो मैंने करवाया है मैराथन में पिछले 5-6 दिनों में, फोटो रेस्पिरेशन मैंने करवाया है, C3 C4 करवाया है, पेप्को करवाया है, क्रांस एनाटॉमी करवाई है, एक साइकिल में बोला था एक GTP बनती है, इधर बोल रहे हैं भाई 10 मॉलिक्यूल है तो 10 बनेगी,
कल करवाया है आपको मैंने। आप एक एक हमें मैं क्वेश्चन करती हूँ, एक घंटे में क्लास छोड़ देती हूँ, क्वेश्चन करो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, 100-150 क्वेश्चन कराती हूँ, जाके मैराथन देख लो प्लीज। डन, सब कुछ एक बार 2x स्पीड पे ट्रैवल करते हुए क्लास से पहले मैराथन देख लो। चलिए 71 कर लिया, 72 पे आइए। शिट यार, शिट, ये मैंने कल करवाया है। शिट, सेम चीज, ये स्टेटमेंट मेरी मेरे नोट्स में है, ये स्टेटमेंट मेरे नोट्स में है, पेपर मैंने नहीं बनाए, वेदांतु वालों ने पेपर बनाया है, मैंने नहीं बनाया पेपर, फिर भी मेरे नोट्स में है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, कल करवाया है मैंने, ये मेरे नोट्स में है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ये मैंने कल करवाया है बेटा। मैं गारंटी लेती हूं तुम्हारे 360 आएंगे, तुम कर लो उनको। नंबर थ्री, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा, ना लाइक हो। अगला सवाल 73, ये भी करवाए, कैरेट और बीट इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने। वर्नलाइजेशन, भैया एन्युअल तो वैसे ही एक साल में कर रहे हैं, तो एन्युअल कैसे होगा, एन्युअल तो वैसे ही एक साल में कर रहे हैं। मोनोपॉट मैंने इसका शुगर बीट एग्जाम्पल दिया था, कल सुना होगा। कैरेट इसका एग्जाम्पल दिया था, अकर्ड ओनली इन मोनोकॉट बाइनियल प्लांट्स। यस्टरडे आई हैड गिवन एग्जाम्पल्स। Yes or no? Please जाइए marathons देखिए। 74, 75 question, चलिए। Ethylene, gibberellin, miller, तो गलत क्या है बताओ? 74, incorrect statement। गलत क्या है? Are modified purines. They are modified purines. MCQ. 75th question. चलो. बर्ड्स की पॉपुलेशन कम क्यों, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है। बिकॉज डीडीटी अगर बढ़ता है तो वो मैग्नीशियम के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, थिनिंग ऑफ एक्सल, प्रीमैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, व्हेन डीडीटी इज यूज्ड बिकॉज ड्रास्टिक इन बर्ड्स प्रेज नेचर, थिनिंग ऑफ एक्सल, प्रीमैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, राइट, ये इसको कॉज करता है। सो आंसर इज नंबर टू, ब्रेकिंग ऑफ द एग्स। एक जल्दी बच्चा बच्चा भी डेवलप नहीं होता, वो पहले अंडा फूट जाता है, तो बर्ड की डेथ हो जाती है बच्चे की। 76 क्वेश्चन, अरे यार 76, आंखें बंद कर दो और आंसर कर दो। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, राइट, हाँ, तो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, सीए कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, राइट, ये दोनों चीजें होती हैं। ये आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये तो लल्लू सवाल है। चलो स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्पीशीज कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट क्या है, स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, राइट, इसका आंसर है नंबर फोर, कितनी स्पीशीज है, कैसे कैसे लगी हैं, इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नंबर थ्री। इज दैट क्लियर एवरीबडी, पक्का आ जाएंगे बृंदा, पक्का आ जाएंगे, मैं सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ अभी तुम्हें, बहुत क्वेश्चंस बना के लाई हूँ मैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, चलो 78th क्वेश्चन। चलिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट मेड अ सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, चलिए शिट, ये भी क्वेश्चन कल मैंने कराया है यार, वाणी मैम ने तो क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया भाई,
ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, है? प्लस माइनस कर दो अभी तुम इसका, कुछ नहीं करना तुम्हें। 500 प्लस 50 इसमें से माइनस कर दो, 500 इसकी डेथ हो रही, 50 माइनस कर दो आप, 400 प्लस 60 इज इक्वल टू 550 माइनस 460 इज इक्वल टू 90 डूइंग टुडे। फॉर्मूला लिखवाए अब बोलो भवानी मैम, ऐसा ये लिखवाया है कि नहीं लिखवाया बस इतना बता दो। हैव आई डन दिस? कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या मैंने ये करवाया है? क्या मैंने कल ये करवाया है? जितने बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है क्या मैंने करवाया है ये? यस, सेवेंटी नाइन्थ। चलिए, करवाया था मैंने 79th। बायो कंट्रोल एजेंट्स एफिड्स को खाते हैं, एफिड्स उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। नैरो होता है ये, जैसे भी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ये, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, राइट? आंसर नंबर 80th। चलो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो ब्रॉड नहीं होता है, 80th। तुम सेकेंडरी को वापस ले आओ, ना लाए को तुम प्राइमरी को एरिएशन टैंक में भेजते हो, प्राइमरी से जो बाहर निकलता है वो सेकेंडरी होता है। BO2 इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इंक्रीज्ड, अच्छा अच्छा करने के बाद आफ्टर एरिएशन, ठीक है ठीक है ठीक है। एरिएशन टैंक शो विग्रस ग्रोथ, यस फ्लॉक्स बनते हैं, यस फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड, यस परफेक्ट। सो आंसर इज 1111 और 331 आंसर है। चलो 81 82 83। यार आज शाम को तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड करा दें, आज शाम को तुमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करवा दूं। यस नॉर्मन ई बोरलो करवाया मैंने 81 82 83, बताइए। बेटा तुम बायो में फोड़ दोगे, तुम टेंशन मत लो। यस तुम बायो में आज करवा दूंगी मैं शाम को 9 बजे। यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 बजे का लाइव कर दूं, 9 बजे आ जाओगे? चलो इससे लल्लू सवाल नहीं आ सकता, ऐसा एग्जाम में है ना डांस डूंस करके करना चाहिए। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव में क्या डिफरेंस है? फॉर्मर इज 83, बता दो भाई। वेजिटेटिव इज
बहुत खाना होता है, पोलन ट्यूब बनाना है ना इररेगुलरली शेप न्यूक्लियस, ये होता है आपका जेनरेटिव, स्कैंटी फूड नहीं होता, स्कैंटी नहीं होता, कम नहीं होता, बहुत खाना होता है। चलिए अगला सवाल, कम ऑन 84, 85, चलिए 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 चलिए। बहुत लल्लू सवाल है, पक्का आएगा 84 वाला, पक्का, मैंने ढूंढ ढूंढ के चीजें ही वही करवा रही हूं बेटा जिनपे सवाल आएंगे, मैं वही चीजें करवा रही हूं जिनपे सवाल आएंगे, गारंटी क्वेश्चन आएगा। कोलियोप्टाइल डिप्लॉयड होता है, रूट हेयर में बता रहा है 20 है, मतलब डिप्लॉयड ही है रूट हेयर भी, मतलब 2n = 20। अब पूछ क्या रहा है, कोलियोप्टाइल इज इक्वल टू 2n = 20, स्क्यूटेलम और आपका एंडोस्पर्म, एन 10 हो गया ना 30। चलो जी 85 करेक्ट ऑप्शन, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेंगे एंट्री को, नंबर 4 माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइलर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, केमिकल डायलॉग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, एंटीपोडल्स 3 नंबर, ठीक है निकल दिया, आप कर लो यार अपने, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेंगे, माइक्रोपाइल आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब वहीं से होती है, पोरोगैमी आपका केमिकल डायलॉग, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आपकी, एंटीपोडल्स है मोस्टली 3 नंबर, 3 होते हैं डन। चलिए अगला सवाल करते हैं, लेट्स मूव ऑन 86, 87, 88, 3 सवाल है, पहले 86 पे आइए, कल करवाया भैया पेपर तो लीक है, भाई पेपर तो लीक है, यहीं से हमने सब कुछ किया, सारे क्वेश्चन कल मैंने सेम टू सेम कर दिया था, सेम टू सेम, और मैंने पेपर नहीं बनाया वेदांत वर्ण बनाया, सेम टू सेम मैंने किया है 87। चलो राइट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट हमने कर लिए 87 बताओ। ओ भाई सेम टू सेम हमने कल किया है, 88 बताइए, क्रोमोसोम 11, 88 बताओ, सेक्स डिटरमिनेशन मैंने कितनी बार कराया है 88, एक्सएक्स एक्सवाई जेडो जेडजेड डिप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी बताइए जल्दी बताओ 88। Very nice. Done. Let's move on to the next question. Human Genome Project को mega project क्यों कहा गया है? Except बोला है. Except बहुत अच्छा question है. ये mega project except इतने पैसे लगे? Yes, large number of scientists लगे. इतने identify. This is the goal. It is not the मेगा प्रोजेक्ट थी, ये गोल है, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज के बारे में बात करना, ELSI 90th क्वेश्चन, 90th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एडिशनल 2 OH थायमिन इज एब्सेंट इन DNA ATGC AUGC इनकरेक्ट, 93rd question, 90th question, sorry, 90th.
DNA is A, T, G, C. So incorrect. Thymine is absent in DNA. Thymine is present in DNA. ये भी incorrect है. ये ठीक है. 11, 12 base pair है. तो 12 कितना होगा? 12 base pair है ना? तो 12, 12 से जुड़ेगा. तो 24 हो जाएगा. तो phosphodiester bond is always minus 2. तो phosphodiester bond 22 होंगे. ये भी गलत है. दोनों गलत है. 2 and 3. राइट ये भी गलत है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा होता है माइनस टू. तो 12 बेस पेयर अगर इधर है तो 12 इधर भी होंगे. तो मतलब टोटल बेस पेयर होंगे 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22 क्योंकि इन चारों के नहीं बनेंगे ना. राइट तो इसीलिए 2 and 3 दोनों है. चलिए शुगर बेस के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 91. लार्वा बायलैटरल होता है. मैंने कम से कम 10 बार बोला था जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाई है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये होता है स्टारफिश एस्टीरियाज में. राइट इकाइनोडर्माटा में इनका ये होता है एडल्ट. और अगर हम लार्वा देखेंगे तो वो ऐसा होता है. 92nd क्वेश्चन. चलिए 92nd क्वेश्चन. पेरीप्लैनेटा आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन ठीक है. कॉकरोच आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है. अर्थवर्म एनेलिडा फेरेटिमा. यस एनिमल किंगडम का क्वेश्चन. चलिए 93rd क्वेश्चन करिए. 93rd क्वेश्चन. ओके फेदर लाइक गिल्स. ओके सेंसरी फुट में नहीं होते. एंटीरियर पार्ट ऑफ द माउथ में होते हैं. फुट में कोई सेंसरी नहीं होता. फुट इज जस्ट फॉर वॉकिंग. राइट इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. टेंटिकल्स हेड में होते हैं. चलो नेक्स्ट 94, 95. एकाइनस ब्रेंकियोस्टोमा ट्राइगोन न्यूफ्रॉन्ट. चलो इकाइनस सी अर्चिन ब्रेंकियोस्टोमा लैंडस्लेट नियोफ्रॉन वल्चर ट्राइगोन. क्या होता है? 94 ट्राइगोन स्टिंगरे. टॉर्पीडो इज इलेक्ट्रिक. स्टिंगरे 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 टॉर्पीडो होता है इलेक्ट्रिक. ट्राइगोन स्टिंगरे जो ऐसी शेप का होता है ना ट्राइगोन कहते हैं उसको. ऐसा स्टिंगरे दिस इज टॉर्पीडो. 95 आपका टेस्टिस. बी क्या है? इजैक्युलेटरी डक्ट. सी क्या है? काउडल स्टाइल. टी क्या है? टिटिलेटर. तो आंसर क्या है? टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस इजैक्युलेटरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म. आपका सी काउडल स्टाइल ठीक है. मेल फीमेल काउडल स्टाइल की कलर. टिटिलेटर राइट. ओपन स्पर्मेटोजेनेटिक पाउच. आंसर इसका नंबर 2 है. ए आपका टेस्टिस है. बी आपका इजैक्युलेटरी डक्ट है. सी आपका काउडल स्टाइल है. इससे आंसर आ जाना चाहिए ये राइट एवरीबॉडी. ये गलत है. ये गलत है और ये भी गलत है. काउडल स्टाइल इज नॉट ऑडिटरी इन फंक्शन. इसी से आंसर आ जाना चाहिए. और ये आपका टिटिलेटरी. इसी से आंसर निकाला है मैंने. बहुत ज्यादा सिंपल है राइट. और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं. काउडल स्टाइल तो मेल फीमेल का सिंपल डिफरेंस ही होता है. कल भी किया था हमने. 97
परमाथिका कल करवाए मैंने यार, एक एक चीज नोट्स पे लिखवाई, सिक्स्थ में होता है एंड ओपन्स इनटू द जेनिटल चेंबर, ठीक है, आप प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज एक्सेप्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये तो नर्व और मसल के बीच में, एपिथेलियल में कहाँ पे आ गया, टाइट जंक्शन होता है एपिथेलियम में, अडेरिंग जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, नर्व आती है, बट आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो मसल और नर्व के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, चलिए इनकरेक्ट मैच, एक इनकरेक्ट एक करेक्ट है, देखो एग्जामिनर इतना चालाक होगा एग्जाम में भी ऐसे देगा, इनकरेक्ट करेक्ट करके देगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे, करेक्ट को इनकरेक्ट मार्क मत कर देना, इनकरेक्ट को करेक्ट मत कर देना। चलो Cardiac muscle fibers contract as a unit due to presence of tight junctions. No, it is because of intercalated disc, not tight junctions. Wrong. Are bundled together. Yes, fascicle, bundle, fascicle, fascicle. They are in bundles together. Fascicle. So answer is number 3 is correct and PCP wala answer is wrong. Next question, 101. Toxin, NCRT ki line hai. NCRT की लाइन है, टॉक्सिन, विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन ड्रग्स है जो एंटी कैंसर में यूज करते हैं, मॉर्फिन, पेथिडिन, हीरोइन है, ड्रग्स है अगेन पर टॉक्सिन नहीं है, कॉनकैबुलिन नहीं है, रीशिन और एब्रिन, आपने एब्रिन भी NCRT में देखा होगा, ये आपके टॉक्सिन है आपने NCRT में देखा होगा। 102 पे आ जाइए, चलिए मैच करके बताइए, एंटीबॉडी fights against infectious, glucose transporter आपका है, enables glucose transport, number 3, cofactor लिखवाए, non-protein constituent, competitive inhibitor succinate और malonate आपका closely resemble the stick, right? मैंने आपको ये भी करवाया है, answer है इसका number 3, your answering is very good, accurate and good answering, very nice, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following types of cells of gastric gland secrete an intrinsic factor? Intrinsic factor कहाँ से आता है? Intrinsic factor आपको iron absorb करने में help करता है। चलो 103। Hydrochloric acid वाला ही intrinsic factor secrete करता है। That means it is oxyntic cells। Iron absorb करने में help करता है intrinsic factor। B12 absorb करने में help करता है, जो finally iron को absorb करने में help करता है। Abnormal frequency of bowel movement, liquid मतलब पॉटी लग जाना ज्यादा, क्या है? डायरिया। आज टेंशन में काफी बच्चों के साथ ऐसा होने का संभावना होता है। 105 क्वेश्चन, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। कल भी बताया न्यूमोटैक्सिक, 105 मेड्यूला रेस्पिरेटरी रिदम CO2 को मेजर करेगा, है हाई पीएच, नो लो, ओके एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई PO2, high PO2, high pH, high temperature, oxygen, hemoglobin, high PO2 हो सकता है, temperature low होना चाहिए, जब pH आपका कम होगा तब भी high pH, low pH में आपके breakdown होता है, तो answer is always 20-25 times higher, B and D, B is correct and D is correct, yes, respiratory rhythm center in medulla, चलिए, ये तो हो गया। 106
बहुत इजी. इनकरेक्ट. एल्वियोलाई नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एटमोस्फेरिक एयर में कितना है. थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, सब करवाया है मैंने आपको वन शॉट मैराथॉन्स में बेटा. ये पूरे तीनों क्वेश्चन आए हैं वहां से. मैराथन मैराथन मैराथन, तीनों क्वेश्चन आपको मैराथन में मिलेंगे. ऑल थ्री क्वेश्चन आप देखिए मैराथन में. चैलेंज करती हूं आपको. 159 एटमॉस्फेरिक ने एल्वियोलाई नहीं पूछा है. वन इज रॉन्ग. 40 करेक्ट है. ऑक्सीजनेटेड करेक्ट है. ये करेक्ट है. ये भी मैराथन में करा. इसका पूरा फ्लो चार्ट लिखकर मैंने मैराथन में कराया है. लास्ट चांस टू स्कोर 360. मैराथन देखिए. थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिन, यस, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन. ये भी मैंने आपको करवाया है मैराथन में. नंबर 3108 ये कल भी आपको करवाया है. मैराथन का क्वेश्चन है 108. यस, डीपोलराइजेशन है आपका पी, आपका पल्स है क्यूआरएस, और फिर आपका टी वेव, आपका रीपोलराइजेशन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अब जाके मैराथन करने का मन कर रहा है कि एक बार देख ले, सुन ले. डू यू वांट टू गो? अभी पीडीएफ दे दूंगी सुहेल क्लास के बाद. 109 और ये सारे वो क्वेश्चन है जो गारंटी एग्जाम में आएंगे. 109 110 करिए, पढ़िए, जल्दी करिए. 40 सेकंड्स लीजिए. शिट यार, ये भी कल लिख कर दिया है मैराथन में. सेम क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम मैराथन. प्लीज करिए. किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरासिक T12 एंड L3. कल ये लिखा था मैंने मैराथन में. चेक इन ओके, रेडिन कन्वर्ट्स ओके, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन PCT में होता है कि आपके DCT में होता है, बताइए. 110. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में 111 111 एंड 112. चलिए सीलिया पैरामीशियम हाइड्रा मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल, स्पेशली वो एंकर करने के लिए अपने नेमेटोसिस्ट को भी यूज कर सकते हैं. रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ये भी कल मैंने आपको कराया था जब मैं आपको हॉर्मोन्स करवा रही थी. एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर. पॉजिटिव फैक्टर्स आर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. आपका ये क्या चीज है? आपका ऑस्टियोपोरोसिस. गाउट में तो यूरिक एसिड होगा. अर्थराइटिस में पेनफुल जॉइंट्स होगा बिकॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन और वीकनेस. पोलियो तो बिल्कुल भी नहीं होगा. इट इज ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस. चलिए अगला सवाल. 113 114. चलिए ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इंपल्स शुरू होता है नेगेटिव -70 से, फिर जाता है +30, फिर जाता है -90. दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये होता है आपके एक्शन पोटेंशियल में, ये होता है आपके डीपोलराइजेशन में, ये होता है आपके रीपोलराइजेशन में. तो आंसर क्या होगा बताइए.
और ये होता है आपके मेंटेन किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये होता है जब आपके सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ये होता है जब आपके पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं। क्या आंसर होगा? -70 टू +30 टू -90, 113, राइट? तो आंसर क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टू अगेन नेगेटिव, आंसर इज नंबर 3। चलिए 114, डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग लाइट। लाइट आती है जब, तभी तो ब्रेकडाउन होता है ऑफ विजुअल पर्पल रोडोप्सिन। लाइट आने पे ही तो ब्रेकडाउन ऑफ रोडोप्सिन होता है, लाइट के बिना तो नहीं होता। तो डार्कनेस नहीं होता, डीपोलराइजेशन रोडोप्सिन की लाइट पे होती है। तो ये डार्कनेस नहीं है, लाइट है। स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, राइट एवरीबडी? 114, यस, डीपोलराइजेशन कब होगा? लाइट के पढ़ने पे। 115, बताइए रेनु जी। गोइटर, डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिटस, एक्रोमेगैली। इंसुलिन की कमी से होता है ना डायबिटीज, तो अरे ये क्या हो गया? डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से होता है, हाइपोसिक्रेशन, एंटी डायबिटिक हार्मोन का, जिसकी वजह से डायलिसिस ज्यादा होगा, हाइपरसिक्रेशन। इट इज लेस इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होता है, नॉट हाइपरसिक्रेशन। हाइपरसिक्रेशन नहीं होता, लेस इंसुलिन की वजह से होता है। यस, अगला सवाल 116, चलो कमॉन शरायु, वेरी गुड रेनु, वेरी गुड रेनु। 2, 1, 3, 4 सब कुछ क्या मार्क कर रहे हो बेटा? ये क्या होता है? कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, आपका हार्ट एट्रियल लैंड्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, डायनियल रिदम, सर्कैडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। आंसर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते, 117, 17, 18, 19, 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन, समुद्री पानी। एजिटेटर, ये जो हिलाने के काम आता है उसको, और ऑक्सीजन डिलीवरी, यहां से ऑक्सीजन निकलता है। फोम कंट्रोल, जीन को रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता। आंसर इज 4। सिलेक्टेबल मार्कर, यार कम ऑन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, लंग्स की इलास्टिसिटी चली गई। इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉटबस्टर है, लैक्टिक एल्ब्यूमिन नहीं है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। 121, चलो करेक्ट। स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया है तो इन्फ्लुएंजा वगैरह है, राइनाइटिस, नो। अनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड वेसल नहीं, लिम्फैटिक वेसल। चलिए 15 क्वेश्चन और है, खत्म, 5-10 मिनट्स मोर, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, जस्ट 5 मिनट्स मोर, कम ऑन। 122,
करेगा, पायरोजेन फीवर कॉज करता है, हेमाटोक्रिट वैल्यू आरबीसी की वैल्यू होती है, हीमोजोइन डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, सो हीमोजोइन एंड दे विल हेल्प इन लाइसिस ऑफ आरबीसीज, समझे एवरीबडी, हीमोजोइन आरबीसीज, वेल डन। चलो, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी डज नॉट अकर बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट से, होता है कभी? कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, राइट? ब्लड से होता है, यस, नीडल से होता है, यस, इंफेक्टेड मदर से होता है, कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। तो डज नॉट अकर बाय हगिंग से नहीं होता, आंसर ये है, आंसर आपका वन। चलिए, मूड स्विंग, रिडक्शन ऑफ टेस्टिस, स्पर्म काउंट, प्रीमेच्योर बैडनेस, इट इज बिकॉज ऑफ, जिम जाने वालों को होता है बिकॉज वो कई बार नकली स्टेरॉइड्स लेते हैं, राइट एवरीबडी, अग्रेसिव हो जाते हैं जिम जाने वाले बहुत, अंडरस्टूड एवरीबडी, इट इज बिकॉज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जिम वाले कई इंस्ट्रक्टर्स, कई गलत लोग अगर जिम में मिल जाए तो वो कईयों को स्टेरॉइड्स दे देते हैं बॉडी बनाने के लिए, सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर वेरी हार्मफुल इन दैट वे, अगर आप कोई गलत स्टेरॉइड ले रहे हो। 125, चलिए, पूरा जेनेटिक्स एक चार्ट में हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिफरेंस इन सर्वाइवल, जीन फ्लो, इमिग्रेशन एमिग्रेशन, कल भी कराया था, म्यूटेशन, न्यू अलील्स, यूगो डिब्रीज, ऑयलोथेरा लेमार्किया ना, सडनली क्या लल्लू सवाल है, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, 126, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस सेंट्रल एशिया नहीं था, नॉर्थ अमेरिका नहीं था, इट वॉज ईस्ट अफ्रीका, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स, आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1, वेरी वेल डन। 127, 128 दो क्वेश्चन आ गए, होमोलोगस, हार्ट ब्रेन बुगनविला, ये क्या है, होमोलोगस की एनालोगस है, एक 127, 128 गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दोनों ही चीजें मैंने कराई है, वर्टिब्रेट्स, हार्ट, होमोलोगस, ब्रेन, होमोलोगस कल एग्जाम्पल भी लिखा है, दिस इज एनालोगस, गैमीट डालना है आपने फेलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट, आपने फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर गैमीट डालना है वो तब डालेंगे ना अगर एक वोमन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही एग, अ वोमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग, उसी के अंदर हम गैमीट डालेंगे, इज दैट क्लियर एवरीबडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 129 and 130, फैगोसाइटोसिस, कॉपर रिलीजिंग, सप्रेस मोटिलिटी, यस, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बाय इंक्रीजिंग म्यूकस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन, इज रॉन्ग, एक्सेप्ट elaborate complex flow process, yes, right, correct, okay, because of fusion of male female progeny of sexually reproductive are not identical, correct, formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms, correct, formation of zygote and embryogenesis are post fertilization events, एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसमें तो कोई भी गलत नहीं यार, यस, हो सकता है कईयों में डिप्लॉइड जायगोट ना बनता हो, लाइक हनीबीज एंड ऑल, तो आंसर इसके 4 मान लेंगे, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं, एरिथ्रोटोकी कर सकते हैं, चलिए 131 132, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट लिखा था कि वो तो फर्टिलाइजेशन होगा, एक सेकंड, एम्ब्रियो लिखा था, जायगोट लिखा था,
ओहो एक सेकेंड एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट तो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, आंसर नंबर टू है, दोनों को पोस्ट फर्टिलाइज, एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जायगोट इज फर्टिलाइजेशन, नॉट पोस्ट फर्टिलाइजेशन. 131, 132, चलो करो, 131, 132. Odd one. Polar body होती है n, meiosite होता है 2n, primary oocyte होता है 2n, ये भी 2n. तो आपको पता चल जाना चाहिए अपने आप. Spermatogenesis starts at puberty. True. GnRH बढ़ता है. GnRH stimulates secretion of only FSH and spermatogenesis. Only FSH, no LH. No LH. False. FSH acts on Sertoli cell, stimulates secretion of some factors, which okay true. Spermatogenesis करवाता है D. And spermiation, ejaculation तो finally urethra से होगा, right? Seminiferous tubule से थोड़ा ना ejaculation होता है, urethra से होता है. This is false. तो answer is number 3. चलिए 133 करिए, 33, 34. मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? डक्ट्स बनाएंगी एम्प्यूला, एम्प्यूला बनाएगा लैप. सो आंसर इज 3. लूटियल फेज में पीक पे होगा जी प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. चलिए 135. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू माइल्ड से होती है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती रहती है. यस, कोलोस्ट्रम आईजीए फर्स्ट मूवमेंट, आईलिड सेपरेट होती है एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड मतलब सिक्स्थ मंथ, फोर्थ मंथ में नहीं होता, गलत है. डन. सो आंसर इज नंबर 4. चलिए जी, शाम को एक और 100 क्वेश्चन करवा दूं, एक और 100 क्वेश्चन करवा दूं शाम को, क्या कहते हो? वेरी गुड गाइस, अब सिर्फ 3 चीजें करनी है. सबसे पहली वो मैं अभी एक स्पेशल फॉर्म लगाने वाली हूं आप लोगों के लिए कि यार इनविजिलेटर ने ड्रेस कोड के बारे में क्या कहा है, देखना है. नंबर 2, शाम को मैं आपके लिए स्पेशल डायग्राम और ग्राफ का लेकर आ रही हूं क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने देखना है. नंबर 3, आप लोग ने प्लीज अभी मेरे सारे शॉर्ट्स देखने, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगी मैं वहां करती चलूंगी, शाम को एक और 100 क्वेश्चंस करवा दूंगी. अभी जाकर प्लीज मैराथन पढ़ लो, ये सारे नोट्स मैं आपको अभी के अभी भेजने वाली हूँ टेलीग्राम में, 2 मिनट में भेज रही हूँ, ठीक है? सारे नोट भेज रही हूँ टेलीग्राम में अभी के अभी, ठीक है? बाय, गॉड ब्लेस यू, मस्ती करके आना कल एग्जाम में, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करें, अभी एक शॉर्ट बना देती हूँ पढ़ के थोड़ा सा. वैसे कुछ ना करो अभी केमिस्ट्री में, तो सिर्फ फिजिकल फॉर्मूला कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के जो नोट्स बनाए उनको बस रिवाइज करते चलो, ठीक है? ओके, रात को 8-9 बजे लगा दूंगी. बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, बाय बाय.